नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मोदी सरकार के 9 साल पूरे, मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट, तय फॉर्मेट में पूछा पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ। मोदी ने कर्नाटक के लोगों से वोट की अपील की, वीडियो संदेश में कहा राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर वन बनाना चाहते हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी बोले हर कन्नड़ का सपना मेरा अपना, विकसित देश के संकल्प को नेतृत्व देगा कर्नाटक। संघ पदाधिकारी ने मीडिया को दी नसीहत, कहा बिना पक्ष लिए सच को सामने रखे हम फेक न्यूज के सबसे बड़े शिकार। कर्नाटक में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें, ईसी ने कर्नाटक की संप्रभुता से जुड़ी पोस्ट पर खड़गे से मांगा जवाब। अखिलेश यादव का भाजपा परिवार बोले सीएम योगी को नहीं पता प्रदेश में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ बात करते हैं तमंचे की। शिवपाल बोले भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, कानपुर में कहा यूपी के मंत्रियों में एक बाबू चपरासी का ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं। निकाय चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़ से बनाई दूरी, चुनाव प्रचार के लिए जिलाध्यक्ष और विधायकों को जिम्मा दिया। संजय शेरपुरिया ने गुजरात में भी लोगों को ठगा, नौकरी के नाम पर लिए थे करोड़ों रुपए, आज रिमांड का आखिरी दिन। पीएफआई के 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी, आजमगढ़ और जौनपुर में सक्रिय पीएफआई, बात करने के लिए करते हैं खास ऐप का इस्तेमाल। कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष बने सचित, 86 साल के मेहरा पर इलेक्शन में जीत दिलाने का जिम्मा, पीएम टूरो के करीबी हैं दोस्त। टेक्सास शूटिंग में भारतीय मूल के इंजीनियर की भी हत्या, गनमैन ने शॉपिंग मॉल में की थी फायरिंग, नाजी समर्थक था हमलावर। तुर्की के गांधी है कमाल का दारुल दांडी मार्च की तरह 450 किलोमीटर की जस्टिस मार्च निकाली हमने झेले, अब एर्दोगन को सबसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा, स्वात घाटी में कैंप बना सकता है तालिबान, 2012 में हुआ था मलाला पर हमला। ईरान हर 6 घंटे एक व्यक्ति को फांसी दे रहा, मानवाधिकार संगठन का दावा 10 दिनों में 42 को दी जा चुकी है मौत की सजा। बेदिया ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीता, पिछले जल उठा गांव, दंगों के मारे गए 2 से 3 पड़ोसी खिलाड़ी, बोली प्लीज मेरा पुराना मणिपुर लौटा दो। भारतीय टीम ब्रिज गेम खेलने पाकिस्तान पहुंचा, 30 प्लेयर्स ने बागा बॉर्डर से एंट्री ली, ये कार्ड्स की एशियन चैंपियनशिप है। एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, भारत के मैच दूसरी जगह कराए जाने का प्रपोजल खारिज, श्रीलंका को हो सकता है मेजबानी कर सकती। रिंकू के चौके से आखिरी बॉल पर जीता कोलकाता, पंजाब को 5 विकेट से हराए, 19वें ओवर में रसेल ने 20 रन बनाए। राहुल की जगह ईशान, डब्ल्यूटीसी फाइनल की टीम में, आईपीएल में चोटिल हुए थे केएल, उमेश उनादकट के इंजर्ड लेकिन उनके रिप्लेसमेंट तय नहीं। द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दोस्तों को फिल्म से दूर रहने को कहा लेकिन विद्युत जामवाल नहीं मानी। अरिजीत सिंह के साथ फैन ने की बस सलूकी, लाइव कॉन्सर्ट के बीच हाथ पकड़कर खींचा, इसके बावजूद सिंगर ने प्यार से समझाया। द केरल स्टोरी फिल्म पश्चिम बंगाल में बैन, ममता बनर्जी बोले इससे राज्य का माहौल खराब होगा, कहा आशंका है कि बंगाल फाइल्स भी बनेगी। इंडिया से स्पाइडरमैन की आवाज बनेंगे क्रिकेटर शुभमन गिल, हिंदी और पंजाबी में करेंगे डबिंग, 2 जून को रिलीज होगी फिल्म।
फोटोग्राफर की मां से मिली आलिया भट्ट, मिलाए हाथ, बोली आपका बेटा परेशान करता है, डाउन टू अर्थ नेचर देख फैंस हुए खुश। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो